भारतीय न्याय प्रणाली के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद, या यूं कहिए कि देश की आज़ादी के बाद, ये पहला मौका है जब न्यायिक प्रक्रिया को पूरे तरीके से बदलने की जो कवायद चल रही थी उसका प्रारंभ आज से हो गया और आज से कानून इम्प्लीमेंट हो गए। हंसी और ठिठोली की भाषा में अगर कहें तो अब चाची 420 नहीं, चाची 318 होंगे। आइए आपको बताते हैं भारतीय न्याय प्रक्रिया जो है, उस न्याय प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, भारतीय न्याय प्रक्रिया में जो बदलाव हुए हैं इसके ऊपर तो हम आगे एक डिबेट करेंगे, जिसमें हम किसी सीनियर एडवोकेट को अपने पैनल में बिठाएंगे और बिठा के आपको जानकारी देंगे। लेकिन चूंकि आज से न्याय प्रक्रिया में बदलाव हुआ है तो इसके लिए हम एक छोटा सा अपडेट आपको दे रहे हैं जो लोगों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है। देखिए इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता जो 1860 था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 था, एवं दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 था, ये अब लागू नहीं होगा। अब जो लागू होगा उसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता। एक परिवर्तन इसमें और भी किए गए हैं कि FIR लागू होने के बाद या मुकदमा पूरा होने के बाद जो 60 दिनों का समय होता था उसको घटा के अब 45 दिन कर दिया गया है। 45 दिनों के अंदर में अब उसका फैसला हो जाना है। देखिए इसका एक बड़ा लाभ तो ये होगा कि इतने जो केसेस पेंडिंग हैं हिंदुस्तान में, तमाम कोर्ट्स में जो इतने केसेस पेंडिंग हैं, उस केस में लोगों को राहत मिलेगी। अब जो एक नया जो कानून इम्प्लीमेंट हुआ है उसके बारे में जानने की जरूरत है। डेथ सेंटेंस फॉर चाइल्ड रेप, चाइल्ड रेप की जो घटनाएं हैं उसके लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अच्छा बदलाव है और मुझे लगता है कि पूरा देश इसको स्वीकार करेगा। गैंग रेप के लिए 20 वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसमें हर 3 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, जो हमारा डाटा बेस बताता है। तो वैसी स्थिति में गैंग रेप के लिए 20 वर्षों का कड़ा कानून का प्रावधान किया गया है, जेल का प्रावधान किया गया है। दूसरा एक चीज़ आपको बताएं कि वोमेंस, माइनर्स और सीनियर्स, ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों को अब घर बैठे बैठे आप FIR कर सकते हैं, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा बदलाव। पहले क्या स्थिति होती थी, किसी महिला के साथ छेड़खानी हुई, किसी महिला के साथ परेशानी हुई, किसी महिला को मोलेस्ट किया गया, किसी सीनियर सिटीजन के साथ परेशानी हुई, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको जाना पड़ता था थाने में। अब थाने जाने की जरूरत नहीं है, थाना उनका FIR आके उनके घर पे लेगा। कानून तो बन गए हैं लेकिन क्या पुलिस अपनी कार्य प्रणाली को बदलेगी, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ये परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को की जो परेशानियां हैं वो परेशानियां कम होने वाली हैं। दूसरा एक और बात मैं आपको बता दूं कि 1 साल के जेल का प्रावधान किया गया है ब्राइबिंग वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के समय में पैसे से जो वोट खरीदा जाता था उसके लिए भी 1 साल का प्रावधान किया गया है कि अगर आप ये सिद्ध हो जाता है कि आपने वोट खरीदने का प्रयास किया तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है। तमाम तरह के और भी परिवर्तन इसमें किए गए हैं और इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट देंगे, लेकिन आज का जो ऐतिहासिक समय है, इस ऐतिहासिक समय पे एक ऐतिहासिक अपडेट फाइनल पोस्ट के द्वारा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।